बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेने वाले हैं। बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद होंगे। बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भोपाल पहुंचे। बैठक में आज रणनीति फाइनल होगी, पिछले कामों का रिव्यू होगा और बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की, केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक को लेंगे और बैठक में कई रणनीतियों को फाइनल किया जाएगा, पिछले कामों का भी रिव्यू होगा, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी भी मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, पिछली बैठकों की तरह अगर बात करें तो पिछले कामों का रिव्यू और साथ ही साथ नई रणनीति बनाना, इसके अलावा भी कुछ इस नई बैठक में होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, बैठक इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ललित, की इस बार की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह तो आ रहे हैं, उनका दूसरा दौरा ये होगा, लेकिन इस बार बैठक में बीएल संतोष भी रहने वाले। जाहिर है कि कुछ बड़े निर्णय होना है जिन पर लगातार चर्चाएं चलती रही है, तो आज उसका रिव्यू के साथ सामने एक रणनीति आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन देखिए, मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर हूँ, आप तैयारियां देख सकते हैं। इस समय थोड़ी ही देर में, करीब 2-2.5 घंटे बाद अमित शाह जी यहाँ पहुंचेंगे 7:30 बजे, तो पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ आप देख सकते हैं और तैयारियां चल रही है। अब भीतर कोई जा नहीं सकता है, जिसके पास पासेज है या जिसको जाने की अनुमति है वही है। जगह जगह आप देखिएगा, इस समय अमित शाह जी के कटबेज आप देख सकते हैं और पूरी बैरिकेटिंग है। यदि आप सड़कों तक भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े कटबेज यहां लगाए गए, जिसमें चाहे अमित शाह की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, तो ये तस्वीरें नजर आ रही है। लेकिन आज की जो बैठक है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। आप तस्वीरें देखिएगा, ये जिसमें पूरे सड़कों पर इस समय आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के आसपास बड़े कटबेज ये कह रहे हैं कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बैठक में कई तरह के निर्णय होने वाले हैं, चाहे समितियाँ जो बनाई गई है अलग अलग उनकी बात करें, और लगातार नेताओं का आना लगा हुआ। दीपक, आप एयरपोर्ट पर मौजूद थे, कौन कौन अभी तक पहुँच गया? जी, अभी तक बीएल संतोष, शिव प्रकाश और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके अगवानी के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और रामेश्वर शर्मा और वहां जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी पहुंचे थे। इसके बाद अलग अलग जो उनके कार्यक्रम तय थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीधे समिधा पहुंचे हैं और इसके अलावा अन्य नेता डिपो चौराहे पहुंचे थे एबीवीपी कार्यालय पर। वहाँ पर देवीदास जी की जो पुण्यतिथि थी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद वहाँ से बीएल संतोष रवाना हो गए और नेता भी वहीं मौजूद है। जी, थोड़ी देर में बाकी जो नेता है, जैसा बता रहे आज कई तरह के कार्यक्रम, बीजेपी का कार्यक्रम भी था तो उसमें भी शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन जब आज यहां बैठक हो रही होगी, अमित शाह जी जिस बैठक को लेने वाले हैं, तो आज की बैठक में जो तमाम तरह की चीजें हैं, जिन बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, उस पर आज रिव्यू के बाद फाइनल एक तैयारियों के साथ एक डाटा आ जाएगा सामने, यानी 26 की देर रात का है या 27 को सुबह हम देख पाएंगे कि कितनी समितियां भारतीय जनता पार्टी की बनी गई है, किस किस बड़े नेताओं को, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, या फिर हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते, तो तमाम नेताओं को आज जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी, पूरी बैठक पर आप नजर बनाए हुए हैं ये और लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से अगली खबर, अमित शाह के आगमन की जो फाइनल तैयारी